साल 2019 के चुनावों में अपनी संभावनाओं को टटोलने, मांझने और चमकाने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना सब कुछ दांव पर झोंक दिया है। गाहे बगाहे वो फोन कर गैर भाजपा दलों के नेताओं का हालचाल पूछती हैं, उन्हें कोलकाता मिलने बुलाती हैं और जरूरत आन पड़ी तो खुद भी उनसे मिलने चली जाती हैं। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जब इस दफे दीदी के बुलावे पर कोलकाता आए तो बात बनने के बजाय बिगड़ गई। दरअसल बातों बातों में दीदी ने नायडू की दुखती रग छेड़ दी और उनसे कहा कि जब भी आप अपने प्रदेश से ध्यान हटाकर केंद्र की राजनीति पर फोकस करने लगते हैं, उसके बाद के विधानसभा चुनाव में राज्य से आपकी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता है। साल 2004 में आपके साथ यही हुआ, मुझे जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक इस बार भी आंध्र विधानसभा चुनाव में आप संकट में हैं। आप बाहर ताकत लगा देते हैं और अंदर भुला देते हैं। दीदी की ये बात सुनकर वाकई चंद्रबाबू को मिर्ची लग गई। अब से पहले वो ममता को दीदी का संबोधन दे रहे थे, पर इस वाक्य के बाद उन्होंने ममता को मैडम कहना शुरू कर दिया और उन्होंने तल्ख लहजे में बंगाल की सीएम से कहा, मैडम अपने स्टेट को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप मेरी इतनी चिंता करती हैं। दीदी समझ चुकी थी कि उन्होंने बातों की बातों में थोड़ा ज्यादा बोल दिया। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए सुदीप रमन की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।